गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इसे अनबॉक्स करेंगे। लव बेबी साइकिल है, बेबी ट्राइसिकल है। इट कम्स विद कैनोपी एंड मैं आपको दिखा दूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ पे हमें फ्रंट टायर के साथ पूरा ये असेंबल्ड मिल जाएगा पोर्शन। देन उसके बाद ये पैर रखने के लिए हम लगा सकते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। सो वी कैन रिमूव दिस वन। सो ये इसके बच्चे के बैठने के लिए गद्दी है। ये स्टिकर है जो यहाँ पर लगेगा। सो दो टायर्स हैं, बैक टायर्स हैं एंड ये एक्सेसरीज आ जाती है। ये कैनोपी आ जाती है इसकी। ये इसका बेसिक फ्रेम है। सो ये पीछे की टोकरी है। सो वी विल असेंबल दिस एंड शो यू हाउ इजी इट इज़ टू असेंबल दिस साइकिल। यू कैन असेंबल दिस साइकिल एट होम ऑल्सो। आप इसे घर पे भी असेंबल कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्क्रूज लगे हैं इनको अनस्क्रू करेंगे। सो ये अनस्क्रू हो जाने के बाद हम जो ये फ्रेम और उसको अटैच करेंगे। ये लॉक रहेगा, इसको निकालना आप लॉक को। ये लॉक निकल जाएगा और ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। फिर हम अभी से इसके अंदर असेंबल करेंगे। सो वी आर इंसर्टिंग दिस हेयर। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है इसका, इजी है बड़ा ही। सो ये उसमें इंसर्ट हो जाएगा। सो इस फ्रेम में ये इंसर्ट हो जाता है। ये ऑटो लॉक हो जाता है। यहाँ पे हमने जो इसकी वॉशर है वो डाल दी है, अभी लॉक हो चुका है यहाँ पे। सो ये पहले ही कंपनी की तरफ से लगे हुए होते हैं। हम इसको निकाल लेंगे पेंच को, यहाँ पे दोनों पेंच को निकाल लेंगे। सो हमने इसके पेंच निकाल लिए हैं गाइस। अब हम इसको पुल करेंगे। दोनों तरफ से हम इसको निकालते हैं, ये टायर डाल लेंगे। सो हमने इसमें इंसर्ट कर लिया है। सो ये लॉक हो जाएगा अंदर जाते ही। ये टायर हमने लगा दिया है। इसका हम आपको बता देते हैं कि ये कैसे लगेगा। सिंपल सा फंडा ये निकालना है। ये टायर है, ये प्लास्टिक का पार्ट है, इसमें से पहले इंसर्ट करना है राइट। देन हमें इसे इधर लॉक कर देना है। इट्स दैट सिंपल। सो एक स्क्रू लग जाएगा एंड नट बोल्ट लग जाएगा इसमें। सो ये लगा के आप इसे एक पेंचकस से टाइट कर सकते हैं। जो हमारे घर में नॉर्मल पेंचकस होता है उससे टाइट हो जाएगा ये। सो हमने ये इंसर्ट कर दिया है ये फ्रेम इसमें। क्लोज अप लुक देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये बेसिक रहेगा, ये ऊपर की तरफ आता है पेंच, ये नीचे की तरफ रहेगा। यहाँ पे ये फ्रेम ऐसे रहेगा, ये सीट रहेगी, ये बेसिक फ्रेम के है। सो अब ये सीट है, ये देखिए इसमें ना प्लास्टिक के ऑटो लॉक हैं। सो वी जस्ट नीड टू पुट इट ऑन द फ्रेम, दैट्स इट। डालो, यस, जस्ट प्रेस अ लिटल, ये अपने आप फिक्स हो जाएगी सीट। अब हम ये जो है पैर रखने के लिए बच्चे का ये लगाएंगे। यहाँ पे लगेगा और वहाँ पे लॉक होएगा। सिंपल है, बड़ा सिंपल। ये इसमें चला जाएगा, ये लॉक इधर से होके उधर निकल जाएगा और यहाँ पे ये नट बोल्ट कस जाएगा। ये वाले पेंच है जो साथ ही आए हैं साइकिल के, ये हम इसमें लगाएंगे। इसमें वॉशर की जरूरत नहीं होती क्योंकि उस पीछे से ये टाइट होते हैं। तो ये पोर्शन है, ये हम इसमें फिक्स करेंगे। अब स्क्रू यहाँ पे लग जाएंगे, चार स्क्रू लग के ये टाइट हो जाएगा। अब हम इस पर बास्केट लगा देंगे। सो जो ये वाली रोड है इसको हम इस साइकिल में यहाँ पे फिट कर देंगे और साथ ही साथ जो ये वाली रोड है इसमें टू पिन्स हैं, एक ये पोर्शन एक ये पोर्शन। ये कनेक्टर बनेगा जो बाद में इसको घुमाने में हेल्प करेगा। सो लगने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ से हो जाएगा, वहाँ से ये थोड़ा ये स्क्रू ऊपर लग जाता है। सो ये इससे रोटेट करता है। सो अब हम ये हैंडल इसके ऊपर लगाएंगे एंड इसे स्क्रू करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा फाइनल हो जाएगा, इसका सिर्फ कैनोपी लगानी है ऊपर। सो ये साइकिल ऑलमोस्ट रेडी हो गई है हमारे पास। हम इसमें बस कैनोपी ऐड कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दिस साइकिल इज रेडी टू गो। फाइनली ये हमारी साइकिल का लुक है। कलर भी बहुत क्यूट है, पिंक कलर है। ये कैनोपी है, ये एडजस्टेबल होती है।